हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका केसवाल से एंड आज हम बात करेंगे डीटेल के एक नए एलसीडी टीवी। जी हाँ दोस्तों, कंपनी ने आज एक नया एलसीडी टीवी लॉन्च किया है, वो भी 19 इंच में, जिसका प्राइस है 3,999 रुपये। आपको शॉक लगा? मुझे भी लगा था जब मैंने सुना था। इसी के साथ साथ हमने कंपनी के एमडी और फाउंडर योगेश भाटिया जी से भी बात की है, उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड। इसमें हम दे रहे हैं आपको एक यूएसबी पोर्ट, एवी इनपुट, और आपको पीसी दे रहे हैं, वीजीए दे रहे हैं, और बकायदा जिस एरिया पे लाइट की प्रॉब्लम रहती है वो इसे 12 वोल्ट डीसी सप्लाई से भी चला सकता है। ये देखिए यहाँ पर, ये इसका डीसी का पोर्ट है, आप डीसी पोर्ट के थ्रू भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं जी। इसके अलावा आपको जो ये टीवी है, ये आपको फुल एचडी के साथ, फुल एचडी को सपोर्ट करेगा, पर जो हम इसको कंसर्न कर रहे हैं, हम इसको कर रहे हैं एचडी रेडी में कर रहे हैं, पर ये आपकी फुल एचडी को भी सपोर्ट करेगा। आप चाहे तो इसका एक मॉनिटर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ मॉनिटर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मॉनिटर में दरअसल क्या होता है, आपको मॉनिटर में स्पीकर्स मिलते नहीं है जी, बट आप इस पर स्पीकर्स का यूज़ भी कर सकते हैं। आप इसको एज अ मॉनिटर यूज़ करने के बाद आप इसको स्पीकर्स के साथ भी आप वीडियो या कुछ मूवीज़ के में भी इंजॉय कर सकते हैं इन चीज़ को। इसके अलावा आपको इसका हम वॉल हैंगिंग के लिए वॉल माउंट दे रहे हैं, आप इसको वॉल पर भी स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ हम स्टैंड दे रहे हैं, एक रिमोट है, और एक ब्यूटीफुल से पैकिंग मिल रही है आपको, और मेन स्पेसिफिकेशन इसमें भी दिए गए हैं हमारे, पीसी कनेक्टिविटी है, इनबिल्ट इस पे गेम है, एचडीएमआई। कौन सा गेम है सर? बॉक्समैन है, डिट्रेट है, टेट्रिस है, गो बैंग है, सुडोकू है, जैसे लाइक एक प्ले करके दिखाएंगे सर। यस मैम। इसका साउंड का कुछ मैम, साउंड कैसा है इसका कुछ बताएंगे? साउंड मैम आपको इस पर जो है 16 वॉट का स्पीकर्स हैं, जो साउंड आउटपुट इस पर आएगा 12 वॉट का, जो कस्टमर को लाइक एक बूफर का यूज़ होगा उससे, क्योंकि वो उस साउंड को ज़्यादा लाइक करेगा। जैसे साउंड काफ़ी चुभने वाला भी नहीं है, और साउंड काफ़ी रेयर भी नहीं है, और साउंड काफ़ी कम भी नहीं है। साउंड एक कस्टमर स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके लिए बहुत ही अलग है। बताया कि 19 इंच एलसीडी टीवी है, इसमें एचडीएमआई पोर्ट है, यूएसबी ड्राइव पोर्ट है, गेमिंग सेक्शन है इसमें, और एक आम उपभोक्ता जो टीवी में चीज़ें चाहता है वो सब फीचर्स हम लोगों ने इसमें डाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस टीवी को हम लोगों ने अफोर्डेबल बनाया है, ताकि एक आम उपभोक्ता, आम कंज्यूमर इस टीवी को 3999 में लेकर अपने घर पर टीवी की कनेक्टिविटी ला सके, और हर घर टीवी हम लोगों का इसमें अटैच। सर, इसका थोड़े फंक्शंस अगर आप ब्रीफ कर सके तो। फंक्शंस के बारे में मैंने बताया, एलसीडी टीवी 19 इंच है, स्पीकर्स अच्छे हैं इसमें, एचडीएमआई पोर्ट है, यूएसबी ड्राइव पोर्ट है, गेमिंग सेक्शन है, जो एक आम टीवी में होना चाहिए उससे और अच्छे तरह के सब तरह के इसमें फीचर्स हम लोगों ने। सर, ये आपकी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? टारगेट ऑडियंस की बात करते हैं, जैसे मैंने बोला, हमारे देश में तकरीबन 34% हाउस होल्ड ऐसे हैं जहाँ पर टीवी नहीं है। उन 34% में से 70% शेयर बिहार एंड झारखंड का है, जहाँ पर लोग टीवी खरीदना चाहते हैं बट ड्यू टू अफोर्डेबिलिटी टीवी नहीं खरीद पाए अब तक। तो डिटेल वहाँ पर एड्रेस करने गई है कि वहाँ पर लोगों को टीवी एक वाजिब दाम में हम लोग प्रोवाइड कर सकें। और ये टीवी कहाँ पे अवेलेबल होगा सर? ये टीवी आम कस्टमर को अगर ऑर्डर लगाना है तो डिटेल की ऐप और डिटेल की वेबसाइट पर जाकर कस्टमर डायरेक्ट ऑर्डर लगा सकते हैं, और हमारे दुकानदार भाई, हमारे मित्र, हमारे पार्टनर सारे ऑर्डर लगाने के लिए अभी टू स्टार्ट विद B2B डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पर ऑर्डर लगा सकते हैं।
सो अभी आपकी खुद की वेबसाइट पे ये अवेलेबल है, आपका कोई प्लान है अमेजोन और बाकी ई कॉमर्स पे? नेक्स्ट मंथ हम लोग फ्लिपकार्ट अमेजोन के साथ भी अवेलेबल प्रोडक्ट को करवाएंगे, कहीं कोई इशू नहीं, और ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन में भी अवेलेबल हो जाएगा। सो ऑफलाइन कहाँ कहाँ होगा सर? पैन इंडिया प्रेजेंस होगा इसका? जी, पैन इंडिया हमारे ऑलरेडी मोबाइल्स के जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स बने हुए हैं हम वहाँ पर प्रोवाइड करवाएंगे, और आफ्टर दिस क्वार्टर वी विल मेक अ प्रॉपर स्ट्रेटजी ऑफ ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन। सर आपने IMC में भी टीवी कुछ अनाउंस किए थे, आपने वो लॉन्च कर दिए हैं? जी, जो टीवी हमने IMC में अनाउंस किए थे वो हमारे 24 इंच से 65 इंच फ्लैट टीवी तक थे। जी जी। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें ये 19 इंच का वर्ल्ड्स मोस्ट इकोनॉमिकल टीवी एंड दिस इज 65 इंच फ्लैट टीवी जो कि 8499 प्राइस में हम लोगों ने अवेलेबल करवाया है, ये आज से लॉन्च हो रहा है। ये आज से लॉन्च, और ये भी अमेज़न और फ्लिपकार्ट नेक्स्ट मंथ ही अवेलेबल? जी, नेक्स्ट मंथ अवेलेबल होंगे। आज कोई भी कस्टमर अगर ऑर्डर लगाना चाहता है तो डिटेल की वेबसाइट ऐप पर जाकर ऑर्डर लगा सकता है, कोई भी रिटेलर भाई, कोई भी पार्टनर भाई हमारा B2B डेटा ई डिस्ट्रीब्यूशन पर ऑर्डर लगा सकता है। सर ये प्रोडक्ट आप कहाँ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं? ये प्रोडक्ट सब मेड इन इंडिया है, इंडिया में बनाए जाते हैं, और हर उमदा क्वालिटीज को ध्यान में रखते हुए, सारे मैंडेट को ध्यान में रखते हुए हमारी R&D टीम जब उसको QC ओके करती है तब इस प्रोडक्ट को आउट किया जाता है। आपकी खुद की फैक्ट्री में बन रहे हैं और आपको किसी के साथ पार्टनरशिप है सर? हमारा तकरीबन 7-8 फैक्ट्री के साथ पार्टनरशिप, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप है, अलग अलग कैटेगरी अलग अलग प्रोडक्ट को लेते हुए, बट हमारा इन हाउस R&D टीम 12 बंदों R&D टीम जो कि इसके ऊपर पूरा काम करता है। ये एक साल की मेहनत के बाद एक ऐसा उमदा प्रोडक्ट निकाला गया जो कि एक आम नॉर्मल नैनो टाइप कंज्यूमर कस्टमर के लिए है, और ये जैकवार टाइप कस्टमर के लिए कि 65 इंच कर्व टीवी आज हम उसको बाजार के 55 इंच प्राइस में अवेलेबल करवाने जा रहे हैं। सर ये पहला अपने आप में एक ऐसा टीवी है जो 4000 के अंदर आ रहा है, सो आपका कुछ और भी प्लान है इसी रेंज में और टीवी लॉन्च करने का? जी, इसी रेंज में और भी टीवी, और भी कस्टमर की नीड्स को देखते हुए जहाँ जहाँ हमें गैप्स नजर आएंगे हम ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे उमदा प्रोडक्ट लाने का डिटेल पूरा प्रयास करेंगे। डिटेल एक ही फिलोसफी पर चलती है कि हम आम उपभोक्ता को किसी भी किस्म के ओवरहेड एक्सपेंस लोड किए बिना एक ऐसे राइट प्राइस पर राइट प्रोडक्ट अवेलेबल कराएं कि कस्टमर प्रोडक्ट लेकर के हाँ मुझे किस पैसों में मजा आ गया। सर आप अपने स्मार्टफोन्स को लेकर प्लान बताइए प्लीज। सर स्मार्टफोन को लेकर हम लोग नेक्स्ट ईयर आ रहे हैं, हमारी R&D टीम उस पर काम कर रही है, बट हम स्मार्टफोन में भी जब भी आएंगे तो हम इकोनॉमिकल होकर ही आएंगे और हम आम उपभोक्ता को ध्यान में रखेंगे। ऐसा कौन सा कस्टमर बेस है जो फीचर फोन यूज कर रहा है और आज वो स्मार्टफोन लेना चाहता है, उसके अफोर्डेबिलिटी को ध्यान में रखते हुए वैक्यूम स्पेस देकर हम एड्रेस करेंगे। एंड सर आपकी स्मार्टफोन की प्राइस की रेंज क्या होगी जब कुछ भी आएगा? नहीं बता सकता, मैंने आपको कैटेगरी बता दी, उस सेगमेंट को हम पहले एड्रेस करेंगे। बट आप एक अफोर्डेबल ब्रांड की तरह जाने जाते हैं, राइट? सो आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपके जो स्मार्टफोन होंगे वो ज्यादा से ज्यादा 5000 के अंदर ही होंगे, इससे ज्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्या मैं सही हूँ? मैं प्राइस के बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा, मैं ये जरूर बोलूंगा जैसे हमारे उपभोक्ता, हमारे कस्टमर, हमारे पार्टनर्स की डिटेल के साथ जो भी उम्मीद है उसके ऊपर हम कसौटी पर पूरा खड़ा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे कि हम अपनी ब्रांड की एक इमेज इसी तरीके से इकोनॉमिकल बनाकर रखें, अच्छे कंज्यूमर को, बड़े कंज्यूमर को भी उससे बड़ा प्रोडक्ट इकोनॉमिकल प्राइस में दें हम, और स्टार्टिंग वाले कंज्यूमर को, बिलो द पॉवर लाइन कस्टमर को भी हम ऐसे प्रोडक्ट ऐसे प्राइस पर दें कि हाँ कहें हाँ यह प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है, बढ़िया खरीद लें। सो आपने अभी तक कितने अपने फीचर फोन बेच दिए हैं, कितना सेलिंग हुआ है? हम अभी तक 3 मिलियन यूनिट्स यानी कि 30 लाख यूनिट्स बेच चुके हैं, हमारे 30 लाख हैप्पी कस्टमर्स बन चुके हैं डिटेल के, जो कि आगे हमारे से एक्सेसरीज भी खरीदते रहते हैं, टीवीज भी खरीदते हैं, और ऐसा ये कारवां बढ़ता हुआ चला जा रहा है और आगे बढ़ता चला जाएगा। और आप नेक्स्ट ईयर में क्या डिटेल से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है नेक्स्ट ईयर में भी? डिटेल्स के साथ अगर आप नेक्स्ट ईयर की बात करते हैं तो अभी ये 3 कैटेगरीज को हम पूरा अच्छे तरीके से पहले एक्सप्लोर करेंगे, इसको एस्टेब्लिश करेंगे, फिर हम कोई नई कैटेगरी में जाएंगे। नई कैटेगरी में भी हम तभी जाएंगे जहां पर हमें वैक्यूम स्पेस नजर आएगा, जहां पर हम अपने आप को मोस्ट अफोर्डेबल, मोस्ट इकोनॉमिकल प्राइस में खड़ा कर पाए, वहीं पर हम उस कैटेगरी में जाएंगे। आपके प्लान से अपना मैन्युफैक्चरिंग हब प्लांट के लिए भी आप उसके बारे में कुछ प्लीज बताएं? जो बात आप कह रहे हैं हमारे मोबाइल को लेकर, मैन्युफैक्चरिंग को लेकर प्लांट पूरे थे, हमारे आंध्रा गवर्नमेंट ने इन्वाइट भी किया था, बट अभी हमने उसमें कुछ डिले किया है, कुछ चीजें हैं जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट अभी कंसिडरेशन में ले रही हैं, बातें हमारी लगातार चल रही हैं, जैसे ही कुछ बातें क्लियर हो जाएंगी, पॉइंट क्लियर होंगे, मे बी वी विल कम विद इन अ ईयर ओनली।